हेलो गाइस, मैं आयुल का मैं सबसे नई सफर लीजा फिर उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ गाइस। मैं वो यहाँ का सब्जी लेकर आया था, हमारे यहाँ मतलब सब्जी का रेट कैसे चल रहा है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब घर का भी लेकर आया था तो आपको भी बता दूँ यहाँ का कैसे टमाटर सब्जी रेट चल रहा है। तो टमाटर है आधा किलो है, आधा किलो चेरी टाइप टमाटर है, मतलब बहुत खट्टा होता है, छोटा छोटा टमाटर है। ये 30 रुपये किलो है, आधा किलो 15 रुपये। तो आधा किलो लिया मैं, ये तोड़ी लिया आधा किलो, तोड़ी भी 30 रुपये किलो है। ये तोड़ी, ये तोड़ी लेकर आया आधा किलो। और 1 किलो प्याज लेकर आया, प्याज 30 रुपये किलो। प्याज मतलब बढ़िया क्वालिटी नहीं मिला, मतलब वो छिलका छिलका उतरा था प्याज में। मतलब प्याज अभी शाम का टाइम मिलता है, बाद शाम का टाइम मार्केट में लगता है। और वो आलू, आलू 20 रुपये किलो। मतलब एक पता नहीं कौन सा टाइप का आलू है। और वो नींबू लेकर आया, नींबू 10 का 3 है, मतलब नींबू बहुत महंगा है, बाकी सारे सस्ता है। और ये इसका साथ धनिया और मिर्ची, हम लोग को यहाँ पर सब्ज़ी लेने से धनिया और मिर्ची मतलब ऐसे ही डाल देता है सब्ज़ी में। गाँव में तो मिर्ची और धनिया अलग से खरीदना पड़ता है, यहाँ पर नहीं मिलता। अरे तरबूज लेकर आया 2 किलो, 2.5 किलो होगा, 15 रुपये किलो, 40 रुपये लिया 2.5 किलो का। ये काट के लिया था मैं, तो चाट के देखता हूँ कैसा है। बहुत मीठा है। और बच्चे के लिए कुछ खाना लेकर आया था मैं, ये बाल्टी लेके गया था मैं बच्चे के लिए सारे सामान खाने का होलसेल लेकर आया था। ये मैगी पूरा 12 पैकेट था, मतलब एक खुला मैगी 10 रुपये लेता है, 14 रुपये लेता है। एक दुकान पे लेते थे हम लोग तो होलसेल में 10 रुपये पड़ता है, इसमें 14 पैकेट है, 12 पैकेट है। एपी नूडल्स है, मसाला इसका थोड़ा टेस्टी होता है। अरे मेरी गोल्ड बिस्कुट लिया था मैं 1 किलो, ऐसे 1 किलो है ब्रिटानिया का मेरी गोल्ड। इसमें मतलब 1 किलो में 100 रुपये पड़ता है, ऐसे खरीदने जाएगा तो 140 रुपये, मतलब 20-30 रुपये महंगा पड़ता है। अरे गुड्डे था, गुड्डे 800 ग्राम का 80 रुपये MRP था, ये 60 रुपये पड़ा। और ये था पल्ली जी 1 किलो, ये पल्ली जी 1 किलो 60 रुपये पड़ा। मतलब ये भी मैं होलसेल मंगाया था इतना सारे बच्चे के लिए, ये बच्चे के लिए था और हम लोग के सब्जी के लिए। तो हम लोग अभी तरबूज काट के तरबूज खाते हैं। हम लोग इसलिए होलसेल मंगाते हैं क्योंकि एक एक मैगी खरीदने जाता है 14 रुपये, और बिस्कुट भी महंगा पड़ता है। तो हम लोग दोनों काम पे चले जाते हैं, तो ये लोग छोटा छोटा बच्चा रास्ते में गाड़ी उड़ी चलता है, इसलिए मैं एक ही बार में खरीद लेता हूँ महीने का। तो ये लोग खाते रहता है, मतलब घर में रहता है, ये लोग टीवी भी देखता है और बिस्कुट मैगी बना के खाते रहता है। इसलिए मैं सबसे पहले वो काम पे जाने के पहले मैगी बना देता है, और लड़का वो बिस्कुट मैं दूध लेकर आता हूँ, वो दूध गर्म करके चला जाता हूँ मैं काम पे, और वो दूध और बिस्कुट खाते रहते हैं। अरे अभी तो नहीं भर रहे, भर के पूरा समझे फूल हो गया अभी, बस इतना ही था। और बाकी हम लोग क्या क्या खाना बनाते हैं उसका काम करता हूँ। अभी मैं वो तरबूज काट रहा हूँ जो तरबूज लेकर आया था, तो हम लोग ये तरबूज खाएंगे सारे मिलकर। उस इससे पहले जो लेकर आया था वो तरबूज खराब था, अंदर से सूख गया था, इसलिए मैं काट के लेकर आया इस बार। और ठंडा किया था फ्रिज में आधा घंटा पहले, मतलब धूप में बहुत गर्म रहता। आधा काटेंगे अभी, आधा बोलने से पहले बाद में खाएगा। मैं नहीं खाता, मैं पास्ता खाती हूँ। सेपले बोले तो सेपले तरबूज खीरा और ये सब नहीं खाता, केला ऐसा कर खा, तो तरबूज खा रहा हूँ। बहुत मीठा है आज वाला तरबूज, आज वाला मजा आ गया। गाइस मैं अभी मैं सब्जी काट रहा हूँ, तो मैं सब्जी बनाऊंगा आज। तो ये आलू और वो अंडा का साथ बनाऊंगा साथ में, ऐसे मैं आलू काटता हूँ, मतलब
ऐसे पतला पतला, मतलब दूसरे टाइप का आलू काट रहा हूँ मैं। तो पहले आलू काट लेता हूँ मैं पूरा, ये आलू काट रहा हूँ। तो मैं आलू काट लिया अभी आलू, उसके बाद मैं अभी प्याज और मिर्ची काटूँगा, धनिया, उसके बाद वहाँ पे दिखाता हूँ, और उसके बाद अंडा आमलेट बनाऊँगा। ये मैं अभी प्याज काट रहा हूँ, उसके बाद मिर्ची काटूँगा। मैं अभी वो मिर्ची काट रहा हूँ, तो मतलब से पहले थोड़ा सब्जी तीखा खाता है, तो मिर्ची कम होगा तो मेरे को फिर वो आके चिल्लाएगा, बोले मिर्ची हो नहीं, इसलिए मैं थोड़ा मिर्ची ज़्यादा दे रहा हूँ। और हरा मिर्ची से सब्जी बनाता हूँ, क्योंकि हरा मिर्ची से थोड़ा फ़ायदा होता है और सूखा मिर्ची थोड़ा नुकसान करता है, तो इसलिए मिर्ची कम होगा तो और डाल दूँगा, मतलब तीखा नहीं होगा तो। ऐसे लंबा लंबा काटना पड़ता है, क्योंकि छोटा छोटा काटने से बच्चा उच्चा नहीं खा पाता, क्योंकि उसमें मिल जाता है, इसलिए लंबा देता हूँ मैं मिर्ची काट के। मतलब मैं डेली नहीं बनाता हूँ खाना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो अब डेली बनाऊँगा तो हो जाएगा। मैं अभी वो आलू और वो प्याज टमाटर फ्राई कर लिया, अभी इसके ऊपर टमाटर डालूंगा, और एक तरफ चावल चढ़ा दिया और एक तरफ वो आलू, और इसके बाद आमलेट बनाऊंगा। और पहले आलू को फ्राई कर लेता हूँ, उसके बाद आमलेट डाल, वो टमाटर डाल दिया, उसके बाद इसका साथ मिला लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा ढक दूंगा और एक तरफ आमलेट बना लेता हूँ मैं। अंडा भुजिया बना लिया ये, और सब्जी देखता हूँ, अभी सब्जी भी हो गया होगा। इसमें थोड़ा मतलब पानी डालूंगा, और लास्ट में ये वाला अंडा इसके ऊपर डाल दूंगा तो बहुत टेस्टी होगा। इसमें दो अंडा का है, मतलब बड़ा तवा है इसलिए कम लग रहा है अंडा। हम लोग तीनों नहाने जाएंगे, और मेरा लड़का और मेरा लड़की, तो हम लोग खाना वाना हो गया, उसके बाद नहा के हम लोग तीनों चारों खाएंगे एक साथ में। तो चलो फाते नहाएगा, नहाएगा, हाँ बोले नहाएगा, थोड़ा इसका गर्मी लग गया, गर्मी लग गया फाते, चलो नहा के आते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। चलो गाइस, अभी हम लोग नहा लिया, तो इसको तेल लगा देता हूँ दोनों को, मेरा लड़का लड़की को। फते तेल लगेगा? तो बोले मैं लगाऊंगा खुद, अगर तू भी लगा तेल, उसके बाद तेल लगा के पाउडर लगेगा, उसके बाद खाना खाएंगे हम लोग। इसे तो बाल नहीं है, थोड़ा सा तेल लगेगा, पाउडर मांगा था रखा। अभी हम लोग पाउडर वाउडर तेल लगा दिया, देखो कितना तेल लगाया, अभी खाना खाएंगे। तो खाना वो बना, सब्जी बनाया था, हो गया, अभी खाना खाएंगे। चलो अभी हम लोग नहा के धो के खाना चालू कर दिया तीनों, तो जो सब्जी बनाया था अंडा आलू का है, तो पहले खा के देखता हूँ कैसे हुआ। खा सागर, खा खाते खा, टेस्टी बढ़िया लग रहा है, हल्का सा थोड़ा नमक कम हो गया, लेकिन नमक कम होगा तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा हो जाता तो फिर कम नहीं कर सकता, कम होने से चल जाता है। खाना खा लेते हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग काम पे जाऊँगा, उसके बाद सफाई बच्चों को देखेगा। अभी मैं वो खाना खा दिया था, थोड़ा फ्रूट खा लेता हूँ, मतलब मैंगो है, देखो कलर मंगवा, अभी उतना मीठा नहीं है, खट्टा मीठा है, नहीं खाएगा बोले। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और जो मेरा चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पे जुड़ा है पहले से वो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हेल्दी रहे, फिट रहे।